ओके फ्रेंड्स हाय तो मैं मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज अपने जो लड्डू मैंने बताए थे आटे वाले वो मैं बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी है आई मीन मेजरमेंट के साथ मैंने चीज़ें लेके रखी हैं सो दैट मैं जब बनाने लगूँ तो मुझे से कोई प्रॉब्लम ना आए अंदाज का चक्कर ना पड़े इसलिए से मैंने वो बना के रखा है ठीक है और uh, मैं दिखा देती हूँ एक बार आप को तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं सो दिस इज़ द पैन जिसमें मैं सब चीज़ें करने वाली हूँ मतलब इसमें मैं सब ड्राई थोड़ा सा घी में रोस्ट करूँगी तो ये मैंने लिया है आटा है ये बेसिकली आपके आटा आता है लड्डू बनाने का अलग से आता है ये मैंने लक्ष्मी ब्रांड का लिया है यहाँ पे मिलता है काफ़ी बारीक होता है तो आपको और आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल वाला ये मैंने ट्वेंटी ग्राम्स गोंद लिया बिकॉज ये गोंद के लड्डू हैं इसको जैसे मैं रोस्ट थोड़ा सा इसमें घी में जब तलूंगी ना तो ये बड़े हो जाएंगे सो so, ट्वेंटी ग्राम्स इज़ इनफ़ ठीक है ये मैंने जागरी पाउडर लिया है ये मैंने ये भी मैंने लक्ष्मी ब्रांड का ही लिया है ये मार्केट में अवेलेबल है ये नाइन हंड्रेड एंड सेवन ग्राम्स का एक बॉक्स आता है तो जैसे ये मैंने फाइव हंड्रेड ग्राम्स लिए तो फाइव हंड्रेड ग्राम्स ही मैंने ये जैगरी पाउडर लिया है और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं सो ड्राई फ्रूट्स आपके मतलब मैंने ट्वेंटी ग्राम्स थर्टी थर्टी टू फोर्टी ग्राम्स के बीच में सारे लिए हैं ठीक है ये कैश हैं ये आपके किशमिश है काजू किशमिश पिस्ता बादाम देन ये मेलन सीड्स हैं ठीक है और ये मैंने है ना कोकोनट फ्लेक्स लिए हैं ठीक है कोकोनट फ्लेक्स आप यूज़ करोगे इसमें ये भी सब सब घी में ड्राई घी uh, में आप रोस्ट करोगे अच्छे से कहते हैं तल लोगे क्रंची होने तक एंड दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जैसे अगर आपके पास मखाने रखें तो आप मखाने भी इसमें डाल सकते हो मखानों को भी आप गर्म उसमें भून करके वो भी आप इसमें डाल सकते हो एंड एक चीज मैंने इसमें ऐड नहीं करी अभी वो यहाँ पे नहीं दिखा रही वो है इलायची पाउडर सो so इलायची को लेके मैं कूटूंगी मतलब उसको मैं पीसूंगी थोड़ा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी बट अभी के लिए मैंने ये सब चीज़ें करके रखी तो मैं सबसे और मैंने हाँ एक चीज़ और मैंने फाइव हंड्रेड ग्राम्स ही है ना घी लिया है यहाँ पे तो इसी घी को मैं मेल्ट करके ऐड करूँगी अपने इसी में मैं सब तो पहले एक तो इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें फ्राई करूँगी इसी घी में और इसी घी से मैं लड्डुओं को बांधूंगी भी तो ये हम थोड़ा 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 ऐड करेंगे सारा एक साथ ऐड नहीं करेंगे सो so, मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ आप लोग देख सकते हो इजीली यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लड्डू बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो एक बार मैं जब प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ स्टेप बाई स्टेप तो मैं आपको शो करती हूँ तो ये पैन मैंने गर्म कर लिया है अब इस पैन में मैं थोड़ा सा बटर मतलब आई मीन घी डालूंगी तो जैसा आप देख सकते हो ये घी है तो मैं इसमें थोड़ा सा ही ले रही हूँ ज़्यादा नहीं आई थिंक दिस मच इज इनफ थोड़ा तो हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को जो है आ, इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अपने आप वो घी जो है इसमें रह जाएगा ये मेरा ना फर्स्ट टाइम है एक्चुअली सही बता रही हूँ इस तरीके का कुछ लड्डू वगैरह बनाने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा नया है ये सब कुछ बट हाँ मुझे पसंद है बनाना कुकिंग मुझे अच्छी लगती थी हमेशा से बट मेरी खुद की मॉम तो कभी मुझे बनाने नहीं देती थी वो बोलती थी कि तुम क्या बनाओगी तुम मेरी किचन गंदी कर दोगी सो तुम मत बनो तो मुझे नहीं बनाने देती थी बट हाँ अब फाइनली मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मुझ पर थोड़ा सा वो किया कि हाँ नहीं तुम कर सकती हो तो मैं बना रही हूँ सनाओ so सबसे पहले मैं काजू इसमें भून लूँगी ठीक है थोड़े थोड़े डालो ठीक है आप इसमें सारे काजू एक बार डाल दो सिर्फ काजू करने हैं पहली बार में सारे एक साथ नहीं करने हम लोगों को पहले सिर्फ काजू करेंगे उसके बाद हम बाकी करेंगे एंड इसी में ही हम थोड़ा 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 थोड़े में ना सारी चीजें भूनेंगे मुझे पता है ये पैन थोड़ा छोटा है बट फॉर ड्राई फ्रूट्स मेरे हिसाब से ये शायद ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे ड्राई फ्रूट्स एटलीस्ट करने के लिए बाकी चीजों को फिर मैं बाद में करती रहूंगी अभी देखते थोड़ा सा क्या ज्यादा हो गया है मेरा और ये घी बहुत ज्यादा गर्म था तो ये थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट हो गया मैंने चलाया नहीं इसलिए तो आप इसको हल्का गैस की जो फ्लेम है इसको आप बिल्कुल ही वो कर लेंगे सॉरी मतलब बिल्कुल लो कर दो पे कर दो अभी इसको आप अच्छे से रोस्ट कर लो मुझे लग रहा है मेरे थोड़े से जल गए हैं शायद तो आप चाहो तो इनको अभी भी अभी ही निकाल लो एकदम से मैंने निकाल लूँगी अब थोड़ा सा और करके सो so फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैंने ये सारे रोस्ट कर लिए हैं ठीक है ठेके? और ये किशमिश को अलग से रखा है थोड़ा वो देखो मेरे में आपको दिखा रही थी और मेरे जल गए थे तो मैंने साइड कर दिए मैंने नए रोस्ट करे हैं काजू इसमें ठीक है देन मैंने ये गोंद थी गोंद को मैंने उसमें फ्राई किया एंड उसके बाद मैंने उसको इस कटोरी से ना हल्का हल्का प्रेस कर दिया मैंने दरदरा सा कर दिया इनको ठीक है अब मैं इसको ऐड करूँगी पहले मैं अपना आटा आटा भूनूंगी और ये देखो ये मैंने वो फ्लेक्स थी उनको भी भून लिया था ठीक है तो अब हम इस आटे को भूनेंगे मैंने थोड़ा सा घी डाला है बहुत नहीं डाला है थोड़ा ही डाला है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी में आटे को भूनूंगी ये जब भून जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं ठीक है ओके फ्रेंड्स तो बेसिकली मेरा जो आटा है वो आधे घंटा लगा उसको भूनने में पूरा मुझे आई मीन आधा घंटा और फोर्टी फाइव मिनट आप मान सकते हो कि मुझे टोटल वो टाइम लगा है तो आपको बता देती हूँ क्या तो जो आटा है वो भून कर के कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको ठीक है मतलब ये पहले कुछ वाइटिश कलर में था अब ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है एंड इससे ज़्यादा भूनने पर ये आई I मीन mean, इसके अंदर क्या बोलते हैं जल जाएगा स्मेल जलने वाली आएगी इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रो रोस्ट कर लिया था अब मैंने उन सबको पीस लिया है एक्सेप्ट मेरे रेजन्स जो बचे हैं किशमिश ये यहाँ पे रखी है और ये गोंद मेरी यहाँ रखी है इनको मैं बाद में ऐड करूँगी ठीक है इसमें अब जो और मैंने इलायची जो है वो कूट करके देखो इसमें लिख रख ली है इसका पाउडर बनाने का कोशिश किया है बट बना नहीं है तो मैं इसको थोड़ा और कूट रही हूँ अभी थोड़ा सा आप देखोगे ताकि ये थोड़ा बन जाए तो हम इसको अब इस पाउडर को थोड़ा सा और मैं इसको करती हूँ देन हम इसको ऐड कर देंगे अपने उस आ, क्या बोलते हैं आटे के अंदर ठीक है एंड फिर हम स्लोली स्लोली ये जैगरी पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो मैं अभी ये एक बारी करती हूँ एंड देन फिर आपको बताती हूँ उसके बाद ओके फ्रेंड्स ये देखो अब अपना ये बन चुका है मतलब हमारा ये जो आटा था मैंने इसमें सब चीज़ें मिला दी हैं तो अब ये मिलाने के बाद में आप देख सकते हो सब कुछ एडेड है अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें जैगरी ऐड करना है अब वो मैं स्लोली स्लोली इसमें ऐड करूंगी ठीक है फिर उसको हम बांधेंगे ऐड करने के बाद तो जब अब हम बांधते हैं अब आप देखना जैसे ये जो अब ये मैंने लिया 500 हंड्रेड ग्राम्स है ठीक है बट आप लोगों को क्या करना है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा आप इसमें ऐड कर सकते हो टेस्ट मतलब कि आप इसमें जितना गिराओगे मतलब आप एक बार 450 फिफ्टी ग्राम्स के आसपास या 400 हंड्रेड ग्राम्स के आसपास गिरा दो मतलब आप इसमें डाल दो एंड उसके बाद एक बार टेस्ट कर लो अगर आपको लगता है कि मीठा ठीक है तो आप इसमें और आगे मत डालो और आपको लगता है कि भाई ये और डालना चाहिए तो आप पूरा डाल दो इनकेस उसके ड पूरा डालने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये कम मीठा है तो आप और ऐड कर सकते हो तो इसका जो क्वांटिटी है डजेंट डिपेंड्स की परफेक्ट नहीं है टोटली totally आपके टेस्ट पे क्योंकि कुछ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं लाइक like, मैं तो काफी ज्यादा खाती हूँ मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मैं मैंने अपने मीठे के हिसाब से लिया है कि मैं इतने में मेरा हो जाता है मतलब पहले मेरी मदर इन लॉ ने जो प्रपोर्शन रखा है वो यही रखा था एंड एज पर दैट उन्होंने ही मुझे बताया है बट सिंस क्योंकि सबका अलग अलग है किसी को हो सकता है ये ज्यादा मीठा लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हो ठीक है तो अब जब ये लड्डू बनने की स्टेज आ जाएगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं लड्डू बना रही हूँ so ना ये देखो इतना शुगर बच गया है मतलब ये जैगरी बच गई है मेरी क्योंकि मेरा इसमें कंप्लीट हो गया है ये बहुत मीठा है मतलब बहुत मतलब मेरे अनुसार अच्छा मीठा हो गया तो अब बस ये क्या है मुझसे बंध नहीं रहा है लड्डू के फॉर्मेट में अब मुझे क्या करना है मुझे इसके अंदर थोड़ा सा घी मेल्ट करके डालना होगा तो मेरा ये घी बचा हुआ था अभी काफी घी बच गया है तो इस घी को अब मैं थोड़ा मेल्ट करूंगी एंड देन उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी जितने की रिक्वायरमेंट है मे बी शायद सारा लग जाए और मे बी ना भी लगे तो इट डिपेंड्स आप अपॉन यू कि आप कैसे उसको बनाते हो इसमें पानी दूध कुछ नहीं डालना है वो सब नहीं डालना है खाली घी डलेगा दैट इज इट एंड देन ये बंधेंगे ठीक है तो अभी मैं वो घी थोड़ा सा उसको मेल्ट करती हूँ अपने माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए करेंगे ज्यादा नहीं करना है थर्टी सेकेंड देन इनफ़ आई बिलीव फॉर दिस तो आप उतना ही डालोगे इसमें बाकी हाँ मुझे स्मेल बहुत अच्छी आ रही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी खा लूँ लेकिन खा नहीं सकती तो बस मैंने काना जी के थोड़ा पहले ही निकाल दिया था उसके बाद मैंने एक बार मीठा चखने के लिए चखा है तो मैंने थोड़ा सा और डाला वो भी मेरे को लगा कि शायद नहीं डालना चाहिए था हो गया था बट ठीक है इट्स फाइन डल चलता है इतना तो वाली चीज़ है बाकी हाँ ऑल एंड ऑल इट्स नाइस चलो अब वो हो गया है घी मेल्ट थोड़ा सा ही हुआ होगा मुझे लगता नहीं है सारा हुआ होगा बट जितना हुआ है उतना हम लोग डालते हैं एंड देन वील स्टार्टअप मेरा माइक्रोवेव मत देखना थोड़ा अंदर से गंदा हो रहा है तो मैं अभी ये घी ऐड कर रही हूँ उसके बाद इसको मिलाऊंगी एंड फिर बताती हूँ जब मैं बनाने की बारी आती है लड्डुओं को मतलब जब मैं शेप दूंगी हाथ में बंधने लगेंगे वो वाला फिर मैं आपको दिखाती हूँ ओके फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा इसके बनने की फॉर्मेट में है अब ये बंध रहे हैं लड्डू सारे तो मैं इसमें लगा रही हूँ एंड अब ये मुझे इसमें थोड़ा सा घी डालना पड़ा था तो अभी इतना ही घी बचा है इन केस रिक्वायर्ड होगा तो मैं इसमें डालूंगी नहीं तो मैं अब इसमें बनाती जाऊंगी तो मैं सारे बनाने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगी एंड फिर हम इसको डब्बे में रखेंगे डब्बे में नहीं रखेंगे हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए बिकॉज अभी ये गर्म है और मैं गर्म में इसलिए बना रही लूँगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो कड़क हो जाएगा फिर मुझे बंधेंगे नहीं दैट इज़ वाई मैं अभी इसको बनाएंगे देखो मेरे हाथ कितने लाल सा हो गए हैं बनाने में माई गॉड कोई बात नहीं बन कभी कभी चलता है तो हम इसको बना लेंगे कंप्लीट करते हैं बना कर इस तरीके से सारे लड्डू एंड देन फिर आपको दिखाते हैं ओके फ्रेंड्स हाय तो आई एम बैक और मेरे मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं तो आप लोग देख सकते हो ये लड्डू मैंने बना करके कर के रेडी कर लिए हैं सारे के सारे मतलब मैंने जो लिया था मुझे एक्चुअली मुझे ये नहीं मालूम है कि ये कितने के के हुए हैं बट हाँ टोटल काउंट है इनका और uh, काफ़ी सारे बन गए हैं तो आई एम हैप्पी